चोट लगना मतलब मुझे चोट लगना होता है। साथियों, कांग्रेस ने आदिवासी समाज के योगदान को कभी भी स्वीकार नहीं किया। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित करने का सौभाग्य भी बीजेपी की सरकार को मिला है। साथियों, कमाल देखिए, आजादी के अनेक दशक तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने सीधे या रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई है। इसी परिवार ने देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाई थी। कांग्रेस ने देश भर में लोकतांत्रिक सरकारों को जब मर्जी तब उसे पत्ते की महल की तरह गिरा देते थे। कांग्रेस ने अपने हिसाब से इतिहास को तोड़ा मरोड़ा और मर्जी मुजब लिखवाया और खुद का ही महिमा मंडन करवाया। कांग्रेस की माने तो तब लोकतंत्र ठीक चल रहा था, फल फूल रहा था, ऐसे वो मार रहे गप्पे। लेकिन जैसे ही गरीब घर का बेटा प्रधानमंत्री बना तो कांग्रेस अफवाह फैलाने लगी कि मोदी आया है, संविधान और लोकतंत्र पे खतरा हो जाएगा। ये कांग्रेस वाले आपको पता नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान है ना, उसके कारण तो मोदी यहां पहुंचा है। अब तो कांग्रेस का शाही परिवार धमकी दे रहा है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बना तो देश में आग लग जाएगी। ये 14 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 19 में भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये राम मंदिर के लिए भी बोलते थे, कभी आग लगी क्या? ये 370 के लिए भी बोलते थे, आग लगी क्या? बस देश को डराओ, घबराओ, भ्रम फैलाओ। भाइयों और बहनों, आग देश में नहीं लगी, आग जलन उनके दिलों में लगी है। ये जलन उनके दिल और दिमाग में ऐसे भरी पड़ी है कि वो उनको अंदर से जलाती जा रही है। और ये जलन भी मोदी के कारण नहीं है, ये जलन 140 करोड़ देशवासियों का मोदी के प्रति प्रेम के कारण है। वो ये प्रेम भी सहन नहीं कर पा रहे हैं।